Good morning, students. Students, we are going to start with lecture 5, chapter Accounting for Share Capital. Today we will discuss new topic, shares issued for consideration other than cash. This is very important topic, bache. You may get question either from share capital or from debenture out of purchase other than cash. Clear, bache? Share issued for consideration other than cash. तो हमने पहले भी किया डिस्कस बच्चे कि शेयर्स कंपनी जो है कैश पे भी इशू कर सकती है. शेयर्स कंपनी अदर देन कैश मीन्स जरूरी नहीं कि कंपनी अपने शेयर के बदले में कैश ही ले. कंपनी जो है किसी चीज को खरीद के अपने कंपनी के शेयर्स भी उनको दे सकती है एज ए कंसिडरेशन. तो जब ऐसा करती है कंपनी वो क्या होता है बच्चे, शेयर्स इशूड बाय द कंपनी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. सिंपल सी बात है कि कैश के बजाय कंपनी ने अपने शेयर इशू कर दिए तो क्या बन गया, शेयर्स इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. कंसिडरेशन क्या होता है, इन रिटर्न कंपनी कुछ भी खरीदे, चाहे वो एसेट खरीदे, चाहे वो कोई रनिंग बिजनेस खरीद ले, ठीक है, या प्रमोटर्स की सर्विसेज लेती है उसके बदले में उनको शेयर्स दे दे, अंडर राइटर सब्सक्राइब करते हैं शेयर, अपनी कमीशन लेते हैं तो कमीशन के रिटर्न में शेयर इशू करते हैं, तो कुछ भी इन रिटर्न कंपनी जो भी इशू करती है अपने शेयर्स वो क्या कहलाते हैं बेटा, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चे मीनिंग से, सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगी मैं. व्हेन ए कंपनी इशूज फुली पेड, कौन से शेयर बच्चे, फुली पेड शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन, अंडरलाइन करें जो चीजें मेन मेन है हमारी, फॉर परचेज कंसिडरेशन other than cash, it is called issue of shares for consideration other than cash. Simple है बिल्कुल कि जब कोई भी कंपनी कुछ खरीदती है तो उसके बदले में परचेज कंसिडरेशन देनी पड़ती है. एक हाथ हम कुछ खरीदते हैं, दूसरे हाथ हमें कुछ देना पड़ता है वेंडर को, तो उसके बदले में कंपनी अपने फुली पेड शेयर उनको दे देती है, वो क्या कहलाता है बच्चे, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. मान लो मैंने एबीसी कंपनी से एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, 2 लाख रुपए की, और मैंने उनको 2 लाख कैश नहीं दिए, मैंने क्या कहा कि मेरी कंपनी के आप 2 लाख के शेयर्स ले लो, 2000 शेयर, एक शेयर की कीमत मेरी कंपनी के 100 रुपए है, तो मैं उनको 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 इशू कर दूंगी, तो क्या कहलाएगा बेटे वो शेयर्स, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. मीनिंग क्लियर हो गया, कंपनी के पास से क्या जा रहा है, शेयर्स जा रहे हैं. कंपनी क्या ले रही है, कंपनी किसी एसेट को खरीद रही है, कंपनी की सर्विसेज को ले रही है, कंपनी कोई बिजनेस टेक ओवर कर रही है, तो उन सब हालात में इंस्टेड ऑफ कैश कंपनी क्या दे रही है बच्चे, अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रही है, फुली पेड शेयर्स. अब हम बात करेंगे बच्चे कि शेयर जो कंपनी फुली पेड दे रही है वो किस किस केसेस में हो सकता है. डिफरेंट केसेस हैं, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो आइडिया लेके आते हैं कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, कैसा बिजनेस होना चाहिए, तो उनको वो जो सर्विसेज देते हैं कंपनी को उसके बदले में कंपनी उनको क्या देती है, फुली पेड शेयर्स. फिर है इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, मैंने भी बताया कि कंपनी के अंडरराइटर्स जो होते हैं कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, खरीदते हैं, तो उनको भी कंपनी क्या दे देती है बच्चे, शेयर इशू कर देती है, ठीक है, फॉर द अंडरराइटिंग, तो उसके लिए कमीशन देनी पड़ती है अंडरराइटर्स को, उस कमीशन के लिए कंपनी क्या दे रही है बच्चे, शेयर इशू कर रही है. फिर है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट, कंपनी ने कोई एसेट खरीदा किसी और कंपनी का, किसी वेंडर से, सेलर से, तो उसको पेमेंट हमने कैश में नहीं दी और हमने क्या दे दिया, अपनी कंपनी के फुली पेड शेयर्स दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स. ऐसे कंपनी क्या कर सकती है बच्चे, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, कि चला चलाया बिजनेस, रनिंग बिजनेस है किसी का, ले लिया उसके एसेट्स थे वो भी ले लिया, उसकी लाइबिलिटीज थी वो भी ले ली, ठीक है, तो उसके बदले में भी हम परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में क्या देंगे, अपनी कंपनी के फुली पेड शेयर इशू करेंगे. तो क्लियर हो गया बच्चे, देर आर 4 डिफरेंट केसेस जहां पे हम इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कर रहे हैं. पहला क्या है कि शेयर्स इशू टू प्रमोटर्स फॉर देयर प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होता है ये, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस होते हैं, तो प्रमोटर्स को हम ये दे देते हैं, शेयर दे देते हैं. ऐसे अंडरराइटर की कमीशन होती है, उसके बिहाफ पे भी हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के शेयर इशू कर देते हैं.
फिर हम क्या करते हैं, अगर कोई कंपनी एसेट खरीद रही है किसी और वेंडर का सेलर से, तो हम उनको भी क्या दे देते हैं, अपनी कंपनी के फुली पेड शेयर इशू कर देते हैं। ऐसी कंपनी मान लो कोई बिजनेस टेक ओवर करती किसी का, तो उस सेलर को, उस वेंडर को, उस कंपनी को भी कंपनी क्या दे रही है, अपनी फुली पेड शेयर इशू कर रही है। ये चारों केसेस क्लियर हो गए बच्चे, इसमें से कोई भी आपको आ सकता है पेपर में। हम सबकी एंट्रीज करेंगे कि क्या क्या अलग अलग एंट्रीज होती हैं। अब आपको सिंपल, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया था कि परचेज कंसिडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, पहले इसका मीनिंग क्लियर करेंगे हम। अब सिंपल अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ, आपको बुक में मिलेगा बेटा, कि परचेज कंसिडरेशन है क्या। अगर मैं कहूँ कि सन्ड्री एसेट्स में से सन्ड्री लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए, कि कंपनी ने कुछ एसेट्स टेक ओवर किए, कुछ लाइबिलिटीज थी वो ली, उन दोनों का डिफरेंस क्या जाता है बेटे, परचेज कंसिडरेशन। कहीं कहीं क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट्स माइनस लाइबिलिटी नेट एसेट्स, वर्ड क्या लिखा होता है, नेट एसेट्स, एक ही बात है। परचेज कंसिडरेशन सिंपल क्या होनी चाहिए, जितने एसेट खरीदे कंपनी ने, जितनी लाइबिलिटी टेक ओवर की, उसका डिफरेंस जो है वो परचेज कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर तो जितना हम मान लो कि कंपनी जो है 2 लाख रुपए दे रही है किसी वेंडर को कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज को खरीदने के बाद, तो उनकी 2 लाख की पेमेंट ही बन रही है, 5 लाख के एसेट है, 3 लाख की लाइबिलिटीज टेक ओवर की, 2 लाख ही बन रही है। 2 लाख का 2 लाख दे रही है, इसका मतलब सिंपल हो गया कि एसेट्स खरीदे, लाइबिलिटीज पे ऑफ की, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका परचेज कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे परचेजर को कितने देने हैं, सिर्फ 2 लाख रुपए कंपनी को, क्लियर है बच्चे। तो डिफरेंस क्या है, सन्ड्री एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, परचेज कंसिडरेशन। लेकिन क्या होता है बच्चे, अब अगर इसमें इसकी मैं एंट्री डालूं, सिंपल है बेटे, ये यहाँ पे क्या आएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एस ए सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट। यहाँ पे हमारे एसेट्स कितने हैं, 5 लाख, लाइबिलिटीज कितनी है, 3 लाख, टू वेंडर अकाउंट 2 लाख। सिंपल है ना, ये बिल्कुल छोटा सा मैंने लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं थी, फिर आपको साथ साथ क्लियर होता जाएगा। एस ए स्टैंड फॉर सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 5 लाख, टू लाइबिलिटीज 3 लाख। तो जो 2 लाख है वो क्या है बेटे, परचेज कंसिडरेशन है, वेंडर को हमने पेमेंट करनी है, तो वेंडर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे दी बुक्स ऑफ कंपनी। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे होगा। सो सेकेंड बेटा, इफ परचेजर पेज मोर देन 2 लाख, ठीक है, कि अगर 2 लाख से मान लो 3 लाख दे रहा है वेंडर को, एक्सेस अमाउंट कितनी एक्सेस होगी बच्चे, 1 लाख रुपया, दैट इज परचेज गुडविल। तो वो क्या है, उसने एक्स्ट्रा जो अमाउंट दिया है वो उस कंपनी की गुडविल को परचेज किया है। कंपनी आपकी चलती चलाई ली ना, उसने एसेट ले ली, लाइबिलिटीज ले ली, तो रनिंग बिजनेस को जब लिया तो ऑलरेडी उसकी गुडविल थी। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट 1 लाख रुपए कंपनी दे रही है, वो क्या दे रही है, परचेजर किस सेलर को क्या दे रहा है बेटे, अमाउंट ऑफ गुडविल। ऐसी गुडविल को क्या बोलते हैं हम, परचेज गुडविल। ऐसी ही गुडविल को हमने किया था कि इट इज टू बी शोन इन द बुक्स। अगर मैं कहूँ कि इसकी हम एंट्री डालें, हम कैसे डालेंगे बच्चे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, कितने का एग्जाम्पल लिया हमने ऊपर, 5 लाख का, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज कितने की हैं, 2 लाख की, 3 लाख की सॉरी, टू वेंडर अकाउंट। वेंडर को हम कितना दे रहे हैं बच्चे, 3 लाख रुपए, हमने कहा ना परचेजर पेज मोर देन 2 लाख, 3 लाख रुपए दे रहे हैं उसको, तो डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट हमारा 5 लाख का हुआ, क्रेडिट हमारा 6 लाख का हुआ, तो डेबिट को बराबर करना क्रेडिट के, 1 लाख रुपए कहाँ जाएगा बच्चे डेबिट में, लेकिन लिखोगे क्या आप, इट इज गुडविल अकाउंट डेबिटेड। ये जो गुडविल है बेटे डेबिट की हमने, ये परचेज गुडविल है, यहाँ से हमारी आई, ठीक है, कि जब परचेज कंसिडरेशन कम हो और आपने वेंडर को ज्यादा अमाउंट पे किया, तो ज्यादा जो पे किया है वो परचेज गुडविल है उस कंपनी की, ठीक है। तो हमारी एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, हमने एग्जाम्पल सिंपल लिया हुआ है ऊपर, 5 लाख, 3 लाख वाला 5 लाख, लाइबिलिटीज को लिख लो पहले 3 लाख, और वेंडर को कितने दे रहे हैं वो 3 लाख, तो 3 3 6 हो गया, 5 माइनस करके 1 लाख, तो डेबिट साइड ही आएगा ना, तो जब डेबिट में आएगा डिफरेंस वो गुडविल है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे थर्ड केस क्या बचे, इफ परचेजर पेज लेस देन 2 लाख, ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाख तो बनती है नॉर्मल परचेज कंसिडरेशन,
अगर वो 2 लाख से कम पे कर रहा है, मान लो वो 1,50,000 पे कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? तो जो डिफरेंस है 50,000 का, वो हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट को, कैपिटल प्रॉफिट हो गया, ठीक है? जब अमाउंट परचेजर नॉर्मल परचेज कंसिडरेशन से कम पे करता है वेंडर को, तो उसका कंपनी का फायदा होता है, परचेजर का फायदा होता है, और वो जो बेनिफिट है इट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी बाय अकाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तब एंट्री क्या लिख देनी हमने? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 5 लाख का एग्जाम्पल है ही हमारे पास। टू लाइबिलिटीज अकाउंट, कितनी लाइबिलिटी थी बेटे? 3 लाख, ये देखो। टू वेंडर अकाउंट, वेंडर को हमने कितना पेमेंट करना है? 1,50,000। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अभी 5 लाख है, 450 हो गए, तो 50,000 क्या हो गया बच्चे? कैपिटल रिजर्व। तो ये कैपिटल रिजर्व क्या है? जो कंपनी खरीद रही है उसका कैपिटल प्रॉफिट है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये सिंपल सा हमने किया है कि परचेज कंसिडरेशन जो होती है, अगर बिल्कुल निकालनी हो सिंपल, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करके नेट एसेट्स आ जाते हैं, यहाँ पे 2 लाख आई। अगर परचेजर ने 2 लाख ही दिए तो सिंपल हो गया, आपकी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 5 लाख, टू लाइबिलिटीज अकाउंट 3 लाख, टू वेंडर अकाउंट 2 लाख, ठीक है? फिर हमने किया कि परचेजर अगर ज्यादा अमाउंट दे दे, नॉर्मल तो इतनी परचेज कंसिडरेशन बनती है, अगर वो 3 लाख दे रहा है तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख दे रहा है वो क्या? कंपनी की गुडविल को खरीद रहा है, इसको परचेज गुडविल बोलते हैं, इसको शो किया जाता है बुक्स में। एंट्री हमारी क्या हो जाती है? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 5 लाख, थोड़ा टाइट हो गया बच्चे। टू लाइबिलिटीज 2, 3 लाख, ये तो हम लिखना लिखना है। वेंडर को हम दे रहे हैं 3 लाख रुपीज, 6 हो गया, 5 डेबिट है, 1 लाख डेबिट किया किस अकाउंट में? गुडविल अकाउंट। क्लियर? अगला है कि अगर परचेजर 2 लाख परचेज कंसेशन उसकी बनती है, लेकिन अगर वो 1,50,000 पे कर रहा है, 50 कम पे कर रहा है, तो वो जो डिफरेंस 50,000 का है वो क्रेडिट करेगा अपनी बुक्स में किस अकाउंट में? कैपिटल रिजर्व में। ये कंपनी का परचेजर का कैपिटल प्रॉफिट है। तब हमारी एंट्री क्या हो रही है? परसेंट एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 5 लाख, टू लाइबिलिटीज अकाउंट 3 लाख, टू वेंडर अकाउंट 1,50,000 की पेमेंट हुई है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 50,000। तो क्लियर हो गया बच्चे? एक बार देख लो ये। समझ लो। अब बात आती है बच्चे कि अगर हम बात करें कि जो शेयर्स इशू कर रही है कंपनी, यहाँ पे शेयर इशूड, फुली पेड शेयर, फुली पेड शेयर्स इशूड बाय कंपनी, है ना? तो ये जो शेयर इशू करती है कंपनी, ये एट पार भी हो सकता है कि कंपनी का 10 का शेयर कंपनी ने 10 में इशू कर दिया वेंडर को, और ये एट प्रीमियम भी हो सकता है। ये हमने पहले भी एग्जांपल्स किए हुए हैं, क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो ये दोनों केसेस में से कोई भी केस आपको आ सकता है। एट पार 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 10 रुपए में निकाल रही है, ठीक है? 10 रुपए का शेयर है कंपनी, मान लो एक्स्ट्रा में निकाल रही है, 12 में भी इशू कर रही है, तो ये हो जाएगा एट ए प्रीमियम। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर है बच्चे? सो दिस इज अ सिंपल परचेज कंसिडरेशन, मीनिंग क्या क्या केस हो सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे बच्चे इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर से, ठीक है? जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं ध्यान से देखेंगे आप। तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स मैंने बताया कौन होते हैं? जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, ठीक है? तो जो उनके प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं उसके बदले में कंपनी क्या देती है बेटे? उनको शेयर इशू कर देती है फुली पेड। तो हम पहले इसकी एक एंट्री डाल देते हैं प्रमोटर्स को, अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर करने की।
मैंने आपको बताया तो ये जो एक्सपेंस है, ये कैसा एक्सपेंस है बच्चे? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है ये, इसको आप लिख सकते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, या इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। डेप्टेड किसको देने हैं हमने ये, कौन किसके रिगार्डिंग ड्यू है बेटे? प्रमोटर्स अकाउंट। तो एक एंट्री हमारी ड्यू की आ सकती है, आप नरेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स, ठीक है, कि प्रमोटर्स ने हमें सर्विसेज दी और जो हमें प्रमोटर्स को देना पड़ रहा है वो हमारा क्या है, वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमने पहले भी किया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक्सप्लेन करते हुए, तो हम लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेप्टेड, या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेप्टेड, या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेप्टेड टू प्रमोटर्स अकाउंट, अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स। इसके साथ एक एंट्री हम और डाल सकते हैं प्रमोटर्स को पे करने की, प्रमोटर्स अकाउंट डेप्टेड क्या दे रहे हैं कंसिडरेशन में, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर इशू कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है कि इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। रिलेशन होगी। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की डिमांड होती है कि इतने शेयर प्रमोटर को दे दिए, उनकी सर्विसेज के लिए इतने शेयर्स हमने उनको दे दिए, तो आपने ये एंट्री ना डालनी हो ना डालो, सीधा ये भी कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, प्रमोटर्स अकाउंट डेप्टेड टू शेयर कैपिटल, ये नहीं लिखोगे तो सिंपल ये लिख सकते हो, इनको इन दोनों को कंबाइन करके एंट्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेप्टेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दो डालनी है तो ये डाल दो, सिंगल डालनी है तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेप्टेड टू शेयर कैपिटल। क्लियर बच्चे? फिर दूसरा है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। छोटी छोटी चीजें हैं बेटे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आपको कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे इसको दिखाना है। तो अंडर राइटर्स मैंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाय विच ए पर्सन नोन एज अंडर राइटर एग्री इज यूजली फॉर कमीशन टू टेक द शेयर्स नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक, ठीक है, कमीशन बेसिस पे कहता है कि जो पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर रही शेयर्स वो हम कर देंगे, तो उसके लिए जो कमीशन दी जाती है उन रिटर्न हम उनको फुली पेड शेयर इशू कर देते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री इसमें भी क्या होगी बच्चे, अंडर राइटिंग कमीशन, क्योंकि कमीशन फर्म का कंपनी का क्या एक्सपेंस है, डेबिट होना ही होना, ये भी एक्सपेंस था डेबिट होना ही होना था। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट किसको देना है, अंडर राइटर्स अकाउंट, ठीक है। साथ ही हमने क्या कर देना, अंडर राइटर्स को शेयर इशू कर देने। दूसरी एंट्री अगर दिखाते हो आप, अंडर राइटर्स अकाउंट डेप्टेड टू फिर से क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट, वही पहले ड्यू की एंट्री, ये फिर इशू की एंट्री, ऊपर वाले सेम हो गया ना, अंडर राइटर आगे तो अंडर राइटर कर दो, अगर प्रमोटर्स आगे तो प्रमोटर्स कर दो, इनकी कॉमन एंट्री हम कर सकते हैं, इन दो एंट्री की बजाय क्या एंट्री हो सकती है सिंगल, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये सिंपल है बेटा आपका, इसकी बेसिस पे अगर कोई एंट्रीज आती हैं आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो एक बार देख लो क्या क्या एंट्रीज है हमारी, क्या क्या हमें शो करना है। पहले दो केसेस हमने सॉल्व कर लिए कि इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स हमें सर्विसेज देते हैं, हमने उनको क्या दिया बच्चे, शेयर इशू कर दिए, पहले इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर कर दिया और फिर इशू करने की एंट्री दिखा दी प्रमोटर्स अकाउंट डेप्टेड टू शेयर कैपिटल। ऐसे जब हमने अंडर राइटर्स को कमीशन देनी थी तो पहले अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर कर दिया, फिर अंडर राइटर को डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर क्या जा रहा है, शेयर जा रहे हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इन दोनों एंट्री को अगर हमने सिंगल में डालना है तो कैसे हो सकता है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेप्टेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चे जी? तो इसके बाद हमने बात की थी बच्चे, ये दोनों कर लिए हमने, ठीक है, अंडर राइटर्स को भी हो गए। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, अब इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स थर्ड, इश्यू ऑफ
shares for purchase of assets. अब ये क्या है बेटा, कंपनी किसी और कंपनी के एसेट्स भी खरीद सकती है, वेंडर्स भी खरीद सकती है. तो जब एसेट खरीदेगी, एसेट की अगेंस्ट हम परचेज कंसिडरेशन में कैश नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं, अपनी कंपनी के फुली पेड शेयर इशू कर रहे हैं. तो पहली एंट्री इसमें क्या आएगी, हमेशा बेटा ध्यान रखना है आपने, जो भी सन्ड्री एसेट्स के नाम दिए होंगे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, बाय नेम लिख देना आपने, ठीक है, एक एक करके. सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, किससे खरीद रहे हैं, वेंडर अकाउंट, वेंडर कौन, सेलर, ठीक है. तो पहली एंट्री हमारी एसेट्स खरीदने की, आगे बचे जो चीज आई उसको डेबिट करो और वेंडर को पेमेंट करनी है तो उसको क्रेडिट करो. इसके साथ ही साथ में एंट्री हम क्या दिखा देते हैं, इनको पेमेंट करने की. तो जब पेमेंट करेंगे वेंडर डेबिट हो जाएंगे बच्चे, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड. क्या दे रहे हैं हम, हो सकता है कि कुछ पेमेंट हम वेंडर्स को कैश में भी कर दें, है ना, जितनी अमाउंट कैश हो जाएगी या थ्रू बैंक हो जाएगी वो दे के बाकी हम क्या करेंगे उनको, शेयर्स. तो हम फिलहाल सिर्फ शेयर्स की एंट्री कर रहे हैं बच्चे. वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अगर आपका सिंपल है, ये एट पार की एंट्री है, शेयर्स इशूड एट पार. और अगर वेंडर को हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये एट प्रीमियम है, ठीक है. मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमें क्या करना होता है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होते हैं. तो एक बार फिर से देखिए बच्चे, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स. हमने मीन्स कंपनी ने किसी कंपनी के एसेट्स खरीद लिए, किसी वेंडर से, किसी सेलर से एसेट खरीद लिए. एसेट खरीदे जब सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर का नाम आ जाएगा बेटे यहाँ पे, जितने के खरीदे. फिर अगली एंट्री में हम वेंडर को पेमेंट करेंगे. अगर हमने शेयर एट पार इशू किए हैं तो हमारी एंट्री आ जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. मान लो 200,000 के एसेट खरीदे तो 200,000 की पेमेंट करनी है वेंडर को, वेंडर को 200,000 से डेबिट कर दोगे तो हमने 200,000 के शेयर इशू कर दिए. सिंपल है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन जब हम वेंडर्स को शेयर्स एट प्रीमियम इशू करते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है. मान लो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 200,000 का और हम यहाँ पे फॉर्मूला, चलो मैं आपको फॉर्मूला बेटे इकट्ठे बताऊंगी अगला करके. वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जब हम प्रीमियम पे इसको इशू करेंगे, ठीक. एक बार देख लीजिए आप, चलिए जी, नेक्स्ट वी विल जस्ट कंटिन्यू द सेम. हमने लिखा हुआ है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स वाला कर लिया. अब लास्ट क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस. कई बार हम बिजनेस को भी टेक ओवर कर लेते हैं बेटा. तो फोर्थ हमारे पास है issue of shares for purchase of business. जब कोई कंपनी किसी और कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लेती है, परचेज कर लेती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, और उसके बदले में, कंसीडरेशन के बदले में शेयर इशू कर देती है उस कंपनी को, उस बिजनेस को, तो वो है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस. तो उसमें बेटे आपकी एंट्री क्या है, पहली मान लो उस बिजनेस के कुछ एसेट्स हैं जो कंपनी ने उठा लिए सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, कुछ उसकी लायबिलिटीज भी हैं,
अगर तो नेम्स है नेम लिख देंगे, मान लो यहाँ पे प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, यहाँ पे टू लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग बिल्स अकाउंट डेबिट, तो ये सारे हम बाय नेम लिखेंगे। अगर नहीं है तो टोटल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, और हमें मालूम है इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन किसको पे करनी है, वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। ये तो नॉर्मल एंट्री आनी आनी है आपकी। फिर हमने एग्जाम्पल किया था, थ्योरी में किया था कि अगर परचेजर जो है परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा पे कर दे, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल लिया था, हमने वही लिखती हूँ। 5 लाख के एसेट्स लिए थे, 3 लाख की लाइबिलिटीज ली थी, और वेंडर्स को हमने 3 लाख रुपया एक्स ज्यादा दिया था, मीन्स 2 लाख बनती है ना, हमने उनको 3 लाख की पेमेंट की थी, तो जो एक्सेस 1 लाख रुपया दिया था हमने, वो किस चीज का था बच्चे, गुडविल परचेज करने का। अभी क्लियर होगी, पीछे थोड़ी जगह टाइट थी, अब वो हमने लूज लूज कर लिया। तो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस जब परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा पे करती है परचेजर वेंडर को, तो जो एक्स्ट्रा पे किया वो गुडविल परचेज करने के लिए किया, ठीक है। तो एंट्री कंप्लीट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। एक तो ये केस हो सकता है बच्चे। दूसरा केस क्या हो सकता है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, 3 लाख की थी लाइबिलिटीज, टू वेंडर अकाउंट। अब हमने किया था कि वेंडर को हमने बनते 2 लाख है परचेज कंसिडरेशन की, लेकिन पेमेंट कितने कर रहे थे हम, 1,50,000। तो जो कम पे किया है वो किस अकाउंट को क्रेडिट करने को बोला था मैंने, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। कितना बचे, 50,000, हो गया 5 लाख। 5 लाख तो ये क्या है, कैपिटल रिजर्व है, इसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, और ये जो है आपकी परचेज गुडविल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने दोनों केसेस बच्चे, कोई भी केस आ सकता है। हाँ, जब इशू करने हैं शेयर्स तो वही एंट्री है आपकी, सिंपल। एट पार में वेंडर को डेबिट कर देना है, शेयर्स को इशू कर देना, ये एट पार हमने किया था। फिर दूसरा क्या है, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये एट प्रीमियम का, सॉरी क्लियर नहीं हुआ आपको, यहाँ पे देखो इश्यू ऑफ शेयर्स पेमेंट हमने बता दी कितनी कितनी है, यहाँ पे 3 लाख की पेमेंट है, तो हम इश्यू ऑफ शेयर्स वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो जब प्रीमियम पे करना है हमने ये वाली एंट्री करनी है, जब पार पे शेयर इशू करने तो ये वाली एंट्री करनी है। तो अब हम एक प्रॉब्लम लेके शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको नहीं निकालने पड़ते हैं वर्किंग नोट बना के, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर तो इसी का ही होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड। अब हम बार बार करें शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल, लेकिन कितने शेयर है ना, फेस वैल्यू दी हुएगी, तो हमने शेयर्स को निकालना है। तो इसमें आपका फॉर्मूला है अमाउंट पेबल, जिसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, ठीक है। अगर तो आपका एट पार है उसमें तो जरूरत नहीं है, अगर प्रीमियम पे मान लो 10 का शेयर है, 10% आपने मान लो 20% प्रीमियम पे दिया, तो 2 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, तो इश्यू प्राइस क्या होगी, ये 12 रुपये, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे। मान लो 1,20,000 देने हैं कंपनी को, वेंडर को, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12, आपके जितने भी शेयर्स आएंगे वो शेयर इशू किए गए, क्लियर है। तो ये वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, ये एंट्रीज मैंने सारी बता दी बच्चे। अब हम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो है इसके करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, पहले हम प्रमोटर्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ट्यूलिप लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ट्यूलिप कौन है, परचेजर। कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 50,000। कितने का एक शेयर है, 10 रुपए का।
credited as fully paid to promoters for their services. ठीक है. It also issued 30,000 shares of 10 each credited as fully paid to the underwriters for their commission. ठीक है. तो मैंने आपको बताया था हम सिंगल सिंगल एंट्री करेंगे, गिव जर्नल एंट्रीज. सीधी इशू कह रहा है कि इशू किए, तो हम सिंपल इशू की एंट्री डाल देते हैं. पहली आएगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड. किसको दे रहे हैं मुझे? प्रमोटर्स को. लेकिन क्या दे रहे हैं हम? शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 50,000 ₹10 का एक, तो 5,00,000 के हमने क्या कर दिए? प्रमोटर्स को शेयर इशू कर दिए. क्लियर होगी फर्स्ट एंट्री. दूसरी एंट्री हमने इशू करने हैं अंडरराइटर्स को. तो पहले अगर हम इकट्ठी एंट्री डालते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड अंडरराइटर्स करते हैं, फिर अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल करते हैं, तो हम सीधा ही एंट्री एक सिंगल डाल देते हैं. ठीक है. किस चीज में जा रहे हैं? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितनी है स्टेटमेंट में? 30,000 शेयर है, ₹10 का एक है, तो 30,000 इंटू 10, 3,00,000 के हमने उनको शेयर इशू कर दिए. क्लियर हो गया बच्चे? सिंपल इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये हमने प्रमोटर्स के लिए. अंडरराइटिंग कमीशन के लिए अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 3,00,000. तो जैसे ही हमने थ्योरेटिकली किया, उसका एक न्यूमेरिकल करके देख लिया कि एंट्रीज क्या होती है. नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन सो एज टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग कंसेप्ट वी हैव डिस्कस. सी, आप बेटे इसका ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं बताऊँ आपको, ताकि आप लोगों को स्टेटमेंट साथ साथ मिलती जाए. किंग लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 25,00,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 6,00,000. तो मैंने बोला था आपको अंडरलाइन करा करो, लाइबिलिटीज 6,00,000 की. ठीक है. परचेजर का नाम कौन है? किंग लिमिटेड. किंग लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन. अब किंग लिमिटेड ने पेमेंट करनी है. कैसे कर रहा है? बाय इशूइंग शेयर्स 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. 10,000 इक्विटी शेयर दे रहा है वो अपनी कंपनी के, ₹100 का एक शेयर है, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पे, एंड 11,00,000 बाय बैंक ड्राफ्ट. ठीक है. कुछ शेयर इशू कर दिए, कुछ हमने थ्रू बैंक ड्राफ्ट पेमेंट कर दी. कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है बच्चे? परचेज कंसिडरेशन भी निकालनी है. ठीक है. तो पहले परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, उसके बाद आपकी जनरल एंट्रीज हम डालेंगे. तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट ही लिया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो 11,00,000 बाय बैंक ड्राफ्ट, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन. एक तो हमने ये कैलकुलेट करना है, दूसरा हमने क्या करना है? जनरल एंट्रीज डालनी इन द बुक्स ऑफ किंग लिमिटेड, परचेजर की बुक्स में. ठीक है. स्टेटमेंट क्लियर हो गया? मैं दोबारा से देखती हूँ. किंग लिमिटेड परचेजर है, एसेट लिए उसने 25,00,000 के, लाइबिलिटीज टेक ओवर की उसने 6,00,000 की. देखा जाए तो कितनी बनती है? 25 - 6 19,00,000. परचेज कंसिडरेशन बनती कितनी है बेटे? 19,00,000 बनती है. लेकिन वो कैसे पे कर रहा है? बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. तो ये शेयर इशू कर रहा है 10,00,000 के, तो ये शेयर इशू कर दिए एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. तो ₹100 का 10% अगर निकालें, ₹10 हो गए. 10,000 का 10 रुपए से मल्टीप्लाई करो कि 1,00,000 और हो जाएगा. तो 10,00,000 के शेयर, 1,00,000 का प्रीमियम, 11,00,000 तो यही दे दिए उन्होंने. एंड 11,00,000 बाय बैंक ड्राफ्ट, 11,00,000 का बैंक ड्राफ्ट जा रहा है. 11,00,000 22,00,000 उसकी परचेज कंसिडरेशन पे की. हालांकि हमें पे कितनी करनी चाहिए? सिर्फ 19,00,000. तो 3,00,000 जो एक्स्ट्रा पे करेंगे हम गुडविल में डालेंगे, है ना. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन बच्चे. सबसे पहले आपने क्या लिखना है बच्चे? वैल्यू ऑफ शेयर इशूड, वैल्यू ऑफ, ऐसे करो नॉमिनल वैल्यू लिखो, क्योंकि वो फेस वैल्यू है. नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड. कितने शेयर इशू किए बच्चे? ऊपर हमने देखा 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ सो. तो उसकी कितनी होगी बच्चे अमाउंट? 10,00,000 रुपये. 10,00,000 तो ये जाना वेंडर के पास. लेकिन साथ में क्या दे रहा है वो? इसके ऊपर प्रीमियम भी दे रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व.
10,000 शेयर हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, 10% प्रीमियम है, तो कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपए आ गए। ये भी कैलकुलेशन फास्ट फास्ट करनी है। 10,000 शेयर्स, 100 रुपए का फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम, फेस वैल्यू का प्रीमियम निकाला 10 रुपए आ गया, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई किए 1,00,000, तो 10,00,000 के शेयर इशू किए, 1,00,000 का प्रीमियम चला गया बच्चे। साथ में क्या दे रहे हैं उसको? एक बैंक ड्राफ्ट भी दे रहे हैं बेटे। कितने अमाउंट का दे रहे हैं? 11,00,000 का। तो उसकी टोटल देखा जाए परचेज कंसिडरेशन कितनी बनी? 10,00,000, 11,00,000, 11, 22,00,000। क्लियर है? लेस नॉर्मल परचेज कंसिडरेशन जो बनती है, नॉर्मल और एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन, वो है 25,00,000 के एसेट माइनस 6,00,000 की लायबिलिटीज, तो 19,00,000 बनने चाहिए थे। तो जो 3,00,000 एक्स्ट्रा आ रहा है वो किस चीज का है? वो गुडविल का। ठीक है बच्चे, वो गुडविल का है। तो इसको हमने एंट्री के फॉर्म में शो करना है। पहली एंट्री हमारी होगी बच्चे, मैंने आपको बहुत बार बताया इसमें कि सन्ड्री एसेट्स, अगर नाम दिया हो तो नाम, अदरवाइज सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, अकाउंट डेबिटेड। और क्या है? अब हमने निकाली गुडविल को, बाद में लिखूंगी। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर, वेंडर कौन है यहाँ पे? जिससे खरीदा बिजनेस, ऑफ क्वीन लिमिटेड। सेकंड पार्टी जो होती है हमेशा ही क्या होती है बच्चे? वेंडर होती है। कई बच्चों को पता नहीं चलता कि कौन परचेजर कौन वेंडर। पेमेंट किसको जानी है? वेंडर को, जिससे बिजनेस खरीदा, जिससे आपने एसेट्स खरीदे। तो यहाँ पे आप देखिए, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, टू क्वीन लिमिटेड अकाउंट। ये तो नॉर्मल आपने डालनी डालनी। अब जो जो वैल्यूज हैं वो लिखो बच्चे। 25,00,000 के, ये देखो 25,00,000 के एसेट लिए, लाइबिलिटी 6,00,000 के उसकी ली। क्वीन लिमिटेड को हमने 22,00,000 की अमाउंट देनी है। अभी निकाला ना हमने परचेज कंसिडरेशन 22,00,000 की, 22 और 6 28, 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3,00,000। तो ये 3,00,000 किस अकाउंट में लिखना है बच्चे आपको? अभी बताया मैंने, गुडविल अकाउंट डेबिटेड। हमने यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर ली कि 10,00,000, 10,000 शेयर, 100 रुपए का एक था, 10,00,000 के शेयर इशू किए, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ किए, तो 10,000 शेयर के ऊपर 10 रुपए का प्रीमियम आ गया, 1,00,000 रुपए ये चला गया, 11,00,000 हो गई। 11,00,000 का बैंक ड्राफ्ट भी जा रहा है। तो टोटल जो हमने दिया क्वीन लिमिटेड को, वाइकिंग लिमिटेड, 22,00,000 रुपए। और दो बनती कितनी थी क्वीन की? 25,00,000 के एसेट थे, 6,00,000 की लाइबिलिटी थी, 19,00,000 ही देने थे क्वीन को। तो 3,00,000 एक्स्ट्रा दिया हमने क्वीन लिमिटेड को, हमने उसकी गुडविल का दिया, क्योंकि उसकी बिजनेस की गुडविल अच्छी थी। तो हमने इसको एंट्री के फॉर्म में दिखा दिया। दो ही एंट्रीज डालनी है। पहले एसेट को टेक ओवर किया, लाइबिलिटीज को लिया, क्वीन लिमिटेड की 22,00,000 की अमाउंट निकाली, जो डिफरेंस आ गया वो बेटे आपकी गुडविल है। तो लास्ट एंट्री क्या है हमारी? पेमेंट क्या आ जाएगी? किसको पेमेंट करनी है? क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। कितना? जितना अमाउंट उसके आगे दिया हो बच्चे, 22,00,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू, अब जो बैंक ड्राफ्ट है 11,00,000 का, तो वो भी हमने दिखाना है। तो उसके लिए क्या बचे? टू बैंक अकाउंट। बैंक ड्राफ्ट हो, बैंक हो, हम क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट। चेक हो तो भी बैंक लिखते हैं। कई बार बिल एक्सेप्ट किया होता है तो बिल्स पेबल वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया होगा आपने वैसे लिख देना है। तो शेयर बैंक जो जो दिया हो पहले वो लिख लो, 11,00,000 बच्चे। ये तो क्लियर ही अपने को कि 11,00,000 के आपने उनको बैंक ड्राफ्ट इशू किया। 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए का प्रीमियम, 10,000, क्लियर हो रहा है? 10,000 शेयर, 100 रुपए की फेस वैल्यू। तो शेयर कैपिटल हमेशा बेटे फेस वैल्यू के साथ आता है। 10,00,000 ही हो गया, 10,000 × 10, 1,00,000 ही हो गया। तो ये आपका बिजनेस परचेज की है, फिर पेमेंट टू द वेंडर्स है। तो हमने गुडविल का कंसेप्ट भी किया, हमने कैपिटल रिजर्व का भी किया कि गुडविल हो तो कैसे शो करना है, ये गुडविल का ही किया हमने। और कैपिटल रिजर्व हो तो
हमारी यहाँ पे कैप्ट रिजर्व की अमाउंट आ जाती है, ठीक है ना। तो गुडविल नहीं आएगी, फिर कैप्ट रिजर्व आ जाएगी, दोनों में से एक ही चीज की ऑप्शन हो सकती है, आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व, क्लियर। फिर पेमेंट की एंट्री दिखा दें, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने बता दिया आपको, इट इज अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। सो बेटा दिस इज द टॉपिक वी हैव डिस्कस, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्लियर।